इस साल की दो बेहतरीन फिल्में जो मुझे लगी वो थी केक और लोड वेडिंग। केक कहानी थी एक ऐसे घराने की, एक डिसफंक्शनल घराने की, एक ऐसा जॉनरा था ये फिल्मों का जिसमें आपको कोई चीज़ पिक्चर परफेक्ट नहीं होती। इस फिल्म के अंदर दो लड़कियां होती हैं, दो बहनें होती हैं विच इज़ प्लेड बाय आमना शेख एंड सनम सईद, जिनकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल है। उनकी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, घर के मसले हैं, फाइनेंसिस के मसले हैं, ज़मीनों के मसले हैं, और पीछे एक और स्टोरी भी साथ साथ चल रही है जो कि थोड़ी देर बाद रिवील होती है। फैमिली में इलनेसेस हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम सब रिलेट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जिनसे हम रिलेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनसे हम रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, समझते हैं। मगर ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी फिल्म में हो सकती हैं, लेकिन इनको जोड़ा किस तरह जाता है, इन एलिमेंट्स को एक साथ पिरोया किस तरह जाता है, ये कमाल था इस फिल्म का कि आसिम अब्बासी जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया, उन्होंने इस फिल्म की कहानी को इतने प्यारे तरीके से तरतीब दिया कि कोई मोमेंट डल नहीं था, कोई एक्टिंग बुरी नहीं थी बिल्कुल भी एट ऑल, बल्कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर परफॉर्मेंसेज दैट वीव सीन ओवर द ईयर्स फ्रॉम बोथ दीज लेडीज सच एज आमना शेख एंड सनम सईद। इसके अलावा जो इस फिल्म की सबसे अच्छी बात ये थी कि इस फिल्म की एक अपनी वॉइस थी, एक अर्बन क्लास जो है पाकिस्तान की, नो डाउट कि वो वॉइस उनकी थी। और कुछ इस पर क्रिटिसिज्म है कि एलिटिज़म का क्रिटिसिज्म मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम सिनेमा का जो एक लैंग्वेज है, जो हमारी अपनी इंडस्ट्री का या जो हमारे लोगों के हिसाब से जो जोक्स हैं, जो चीज़ें, जो टैबूज़ हैं जिनको हम फेस करते हैं एज वुमेन, सो दैट वाज समथिंग दैट आई रियली इन्जॉयड इन केक के वो छोटे छोटे एलिमेंट्स जो थे मौजूद फिल्म के अंदर, जो कि लैंग्वेज को ऑथेंटिक बनाते थे, वो बहुत रियल थे, रिलेटेबल थे और डेफिनेटली पाकिस्तान स्पेसिफिक थे। दूसरी फिल्म जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इन्हीं एलिमेंट्स को और बड़े तरीके से उन्होंने इस बड़े स्केल पर उसको प्रोड्यूस किया, वो थी लोड वेडिंग, डायरेक्टेड बाय Abdul Qureshi and produced by Fizza Ali Mirza. It starred Mehwish Hayat and Fahad Mustafa and Faiza Hasan, Samina Ahmed, Nourul Hasan Rizvi. What a fantastic cast it was, and what a fantastic, brilliant film it was. It was intense, it was emotional, it was funny. It had all that masala elements going for it, but at the same time, it had a lot of heart. It had that nostalgic value. There was a beautiful rural setting shaped around the story, which made it very, very authentic. Like I keep saying, and that's what's very important, because right now we're sort of reshaping or rebuilding the base of Pakistani cinema. नई फिल्में आ रही हैं, नए नए लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो बहुत एसेंशियल है कि हम अपनी आवाज़ और अपनी बातें या अपनी स्टोरीज जो हैं वो ऑथेंटिक रखें। लोड वेडिंग का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ये इट वॉजंट ट्राइंग टू टेल लाइक मार्स पे क्या हो रहा है एंड बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। इट वॉज ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी दैट वॉज सेट स्क्वायरली इन द मिडल ऑफ पाकिस्तान, एंड इन पाकिस्तान जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डाउरी कल्चर का जो हमारा प्रॉब्लम है। और डाउरी में ये नहीं है कि जी हमने जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो देनी है, नहीं, हमने डाउरी में देना है, चांद तारे तोड़ के अगर माँ बाप ला सकते हैं वो दे दें, और लड़के वाले उस पर फिर भी खुश नहीं होते। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर इस फिल्म ने बात की, और इसमें जो बहुत अच्छी और बहुत मज़े की चीज़ें थीं वो आमिर लियाकत हुसैन की जो थी पैरोडी थी, जो कि इतनी ब्रिलियंटली डन थी। इसके अलावा फ़हद मुस्तफ़ा का जो एक मोनोलॉग आता है एंड में, इट वाज वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेल रिटन, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है जो कि मैं बार बार कोट करती हूँ कि वैसे तो मर्द बड़ा गैरतमंद बनता है लेकिन सोता जहेज़ के बिस्तर पे है। और ये जो डायलॉग है ये इतना हार्ड हिटिंग डायलॉग है, और वो एक्टिंग उन्होंने इतनी ज़बरदस्त की है, और ओवरऑल भी फिल्म जो थी वो इतनी अच्छी, वेल कंस्ट्रूड थी, वेल रिटन थी। द सॉन्ग्स, द म्यूज़िक, द लिटिल कैमियोज दैट वर देयर, दे वर ऑल्सो ब्रिलियंट, दैट डेफिनेटली लोड वेडिंग इज़ not just one of the best films to come in Pakistan. बहुत अरसे से पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं उनमें सबसे बेहतरीन लोड वेडिंग है।